इनके मां नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, भाड़ नहीं, कोई नहीं है इनके। और ये हरकतें किसी मुख्यमंत्री की नहीं है, मेरी नजरों में ये हरकतें गुंडा प्रवृत्ति की हरकतें हैं। ये तो शर्म कीजिए कि आप सरकार चला रहे हैं या गुंडा गर्दी कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, मुसलमानों का कसूर क्या है जो आज इस भारत देश में उनको अपना नाम, अपना हुलिया, अपना पहनावा, अपनी टोपी, अपना कुर्ता पजामा बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। यदि आप ईद के मौके पर हिंदुओं को यह कहो कि नाम लिखे, धर्म का नाम लिखे, अपनी दुकान के बाहर लिखे, आप कौन होते हैं किसी के व्यक्तिगत या धार्मिक जीवन में दखल देने वाले? योगी आदित्यनाथ जी आप होते कौन है? आप यूपी के मुख्यमंत्री हो सकते हो कुछ टाइम के लिए, आप यूपी के मालिक नहीं हो। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको नवाब सतपाल तंवर की चेतावनी है कि आप अपना ये भगवा चोला उतार कर मानवता का चोला पहनिए। धर्मों में, जातियों में उत्तर प्रदेश को बांटकर एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है, आपकी जगह जेल में होनी चाहिए। कांवड़ यात्रा के नाम पर धार्मिक शोषण, धार्मिक भेदभाव भीम सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। जो मेरे दलित भाई भी कांवड़ लेके आ रहे होंगे, पहले तो मैं ये कहूंगा, भाई आप चुनाव के समय हिंदू हो, और ध्यान रखना जब चुनाव का समय बीत जाता है तो आप दलित हो जाते हो। ये कांवड़ को ढोना बंद करो भाई। हमेशा आपने देखा होगा, कभी भी आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर किसी भी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं करते हैं, और आज भी मैं किसी भी धर्म विशेष को लेकर के टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन जो बात जायज है, जो बात इंसानियत की है, जिस बात में अपराध नजर आता है, भाई वो बात तो नवाब सतपाल तंवर बोलेगा, क्योंकि ये अधिकार परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो करेक्टर ढीला, ये दोगला व्यवहार नहीं चलेगा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी। और कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी उस धर्म के ठेकेदार नहीं है। यूपी में कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, कांवड़ियों का पूरा सम्मान है, हिंदू धर्म का पूरा सम्मान, मुसलमान धर्म का पूरा सम्मान। अरे ये बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपनी ढपली बजाने के लिए, अपनी ताल लगाने के लिए क्यों आ गए भाई? मुजफ्फरनगर में, मुजफ्फरनगर के एसपी ने बयान दिया है, वहां के प्रशासन ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि मुजफ्फरनगर में जितने भी मुसलमान हैं सबको अपनी दुकान का नाम लिखना पड़ेगा, और सभी को अपना नाम लिखना पड़ेगा कि तुम फला फला कौन व्यक्ति हो। भैया एक बात बताओ, एसपी महोदय भी और मुख्यमंत्री महोदय भी और मुजफ्फरनगर के डीएम भी, ये धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध है या नहीं है? कानून की किताब खोलो और देखो, तुम किसी धर्म का अपमान कर रहे हो, वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। कांवड़ यात्रा हर साल निकलती है, शांति प्रिय तरीके से निकलती है, लेकिन यूपी की पुलिस और यूपी की योगी सरकार जान पूछ के विवाद पैदा करते हैं। वो इसलिए विवाद पैदा करते हैं कि हिंदू धर्म के नाम पर ये अपनी रोटियां सेक सके। इनके मां नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, भाड़ नहीं, कोई नहीं है इनके। और ये हरकतें किसी मुख्यमंत्री की नहीं है, मेरी नजरों में ये हरकतें गुंडा प्रवृत्ति की हरकतें हैं। माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आप एक भारत देश के एक बड़े सूबे को रिप्रेजेंट करते हैं, यह तो शर्म कीजिए कि आप सरकार चला रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप मुख्यमंत्री हैं, आपको सभी को बराबर लेके चलना चाहिए। कोई हिंदू हो, ईसाई हो, जैन हो, सिख हो या बौद्ध हो, आपको सबको एक साथ लेके चलना चाहिए। लेकिन आपने धार्मिक व्यवस्थाओं का, धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ा के रख दिया है। आपने संविधान में धर्म निरपेक्षता के मौलिक अधिकार को छिन्न भिन्न करके रख दिया है।
आपका प्रशासन भी आपके जैसा हो चुका है, आपकी पुलिस भी आपने गलत बना दी है। मुसलमानों का कसूर क्या है जो आज इस भारत देश में उनको अपना नाम, अपना हुलिया, अपना पहनावा, अपनी टोपी, अपना कुर्ता पजामा बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा? क्या ईद के मौके पर अगर हिंदुओं के साथ यही व्यवहार करोगे तो क्या हिंदुओं को अच्छा लगेगा? मैं तो ये कहता हूं कि मानवता प्रेमी किसी मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगेगा। यदि आप ईद के मौके पर हिंदुओं को यह कहो कि नाम लिखे, धर्म का नाम लिखे, अपनी दुकान के बाहर लिखे, आप कौन होते हैं किसी के व्यक्तिगत या धार्मिक जीवन में दखल देने वाले? योगी आदित्यनाथ जी आप होते कौन है? आप यूपी के मुख्यमंत्री हो सकते हो कुछ टाइम के लिए, आप यूपी के मालिक नहीं हो। और मुजफ्फरनगर प्रशासन भी कान खोल करके सुन ले कि कांवड़ यात्रा पर जाने वाले आधे से ज्यादा लोग दलित समुदाय के हैं। यदि ये भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर एक आवाज देगा अपने बहुजन समाज को कि कांवड़ यात्रा पर नहीं जाना, तो वो नहीं जाएंगे, याद रखना। लेकिन मैंने कभी भी किसी के व्यक्तिगत जीवन में या धार्मिक जीवन में झांकने की कोशिश नहीं की है। यदि मेरे बहुजन समाज का, दलित समाज का कोई व्यक्ति किसी धर्म का पालन करता है, किसी देवी देवता की पूजा करता है या कांवड़ लेके आता है, तो मैं उसका विरोध नहीं करता। मैं कहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों एक हो जाओ, अंबेडकरवाद को अपनाओ। लेकिन मैंने कभी भी किसी भी धर्म विशेष का विरोध नहीं किया। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको नवाब सतपाल तंवर की चेतावनी है कि आप अपना ये भगवा चोला उतारकर मानवता का चोला पहनिए। आपकी नजरों में सब बराबर होने चाहिए, लेकिन आज आपने दिखा दिया है कि आप मुसलमानों को कतई नहीं सुहाते हो, मतलब कि मुसलमान आपको कतई नहीं सुहाते हैं, आपने ये दिखा दिया है। आप मुसलमानों को देखना भी पसंद नहीं करते हो। कांवड़ यात्रा निकल रही है, अरे आपको पता है मुसलमान लोग सड़क के ऊपर पानी की प्याव लगाते हैं, मुफ्त में फल बांटते हैं, केले बांटते हैं, नाशपाती बांटते हैं, आम बांटते हैं, कांवड़ यात्रियों को बांटते हैं। अरे तुम किस किस को रोकोगे? हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता और हर दलित नक्सलवादी नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी, हर एक भगवा चोला पहनने वाला भी आतंकवादी नहीं होता। लेकिन आपने धर्मों में, जातियों में उत्तर प्रदेश को बांटकर एक बहुत ही बड़ा अपराध किया है। आपकी जगह जेल में होनी चाहिए। लेकिन मैं अदना सा बाबा साहब अंबेडकर का सिपाही, मैं कौन होता हूं यह बात बोलने वाला? मैं कोई नहीं होता। मेरा निवेदन है भाई, अरे उत्तर प्रदेश को जीने दो। योगी जी, उत्तर प्रदेश को जीने दो, मुसलमानों को जी लेने दो, धर्मों को जी लेने दो, हिंदुओं को भी जी लेने दो। कल तक तुम लोग हिंदुओं के, दलितों के मकानों पर बुलडोजर चलाया करते थे, अब तुम्हारा ये बुलडोजर हिंदुओं के घरों के ऊपर भी चलने लगा है, पहले ब्राह्मणों के घरों पर भी चला। अब मैं क्या कहूं आपको? आप मुख्यमंत्री हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं, लोगों के आसियाने को तोड़ रहे हैं। कांवड़ यात्रा शांति प्रिय निकलती है, विवाद तो आप पैदा कर रहे हैं। अरे हम धर्मों को सम्मान देते हैं, जातियों को सम्मान देते हैं, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा फरमान। ए मुजफ्फरनगर के एसपी साहब, डीएम साहब, क्यों अमानवीय कार्य कर रहे हो? कोई भगवान, कोई खुदा, कोई तुम्हें माफ नहीं करेगा। यदि मुसलमानों की भाषा में कहीं दोजख है तो जाना पड़ेगा तुम्हें, जलजला सहन करने को तैयार रहो। यदि हिंदुओं की भाषा में कहीं नरक है तो वहां जाना पड़ेगा तुम्हें। और मेरी भाषा में इस धरती पर ही स्वर्ग है, इस धरती पर ही नरक है, इसी धरती पर ही आपको इन अपराधों की सजा मिलेगी और कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे पाप का घड़ा बढ़ रहा है। मैं तो प्रशासन से निवेदन करूंगा हाथ जोड़ के कि आप
एक योगी आदित्यनाथ जी ऐसे मुख्यमंत्री जिनकी कुर्सी 2027 में जाने वाली है, उनका पल्लू छोड़ दो उनका पल्लू पकड़ना। वो खुद तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। कांवड़ यात्रा के नाम पर धार्मिक शोषण, धार्मिक भेदभाव भीम सेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बेशक हिंदू हो या मुसलमान हो, भीम सेना प्रमुख नवाब सतपाल तंवर की आपसे पुरजोर शक्तिशाली अपील है कि आप आपस में अमन चैन शांति भाईचारा बनाए रखें, ना किसी को गलत कहे ना किसी को सही कहे। और हां हिंदू भाइयों, आप लोग आओ, जो मेरे दलित भाई भी कांवड़ लेके आ रहे होंगे, पहले तो मैं ये कहूंगा भाई, आप चुनाव के समय हिंदू हो, और ध्यान रखना जब चुनाव का समय बीत जाता है तो आप दलित हो जाते हो। ये कांवड़ को ढोना बंद करो भाई, शिक्षा के दरवाजे खुले हैं, शिक्षा की तरफ जाओ, विद्यालयों में जाओ, अपने माता पिता की सेवा करो, नशे को त्याग दो, अच्छी आदतें अपनाओ, समाज का भला करो। लेकिन फिर भी आपकी आस्था है, मैं आपकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचा सकता। मेरे दलित भाइयों, मुझे मालूम है कि अगर 1 लाख नहीं 10 लाख लोग कांवड़ यात्रा पे जा रहे होंगे तो उसमें से 80,000 से 8 लाख तक की संख्या हमारे दलित भाइयों आपकी है। और आप दिखा दो मुसलमानों के हाथ से पानी पियो, रास्ते में चाय पियो, लस्सी पियो, अंगूर खाओ, फल फ्रूट खाओ, आम खाओ, सब्जी खाओ, सलाद खाओ, ककड़ी खाओ, खीरा खाओ, मुसलमानों के हाथ से खाओ। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर एक कटाक्ष होना चाहिए। ये लोकतंत्र है, उत्तर प्रदेश किसी के बाप की कोई बपौती नहीं है, उत्तर प्रदेश हमारा भी है भाई। अरे बंद करो ये अत्याचार, बहुत हुआ तुम्हारा, अब नहीं सहेंगे बिल्कुल भी। हिंदू भी अपना है, मुसलमान भी अपना है, जैन भी अपना, सिख भी अपना, ईसाई भी अपना, बौद्ध भी अपना है, दलित भी अपने हैं, ब्राह्मण भी अपने हैं भाई, राजपूत भी अपने हैं, बनिया भी अपने हैं, ओबीसी को कौन भूल जाएगा, बेशक जाट हो या यादव हो या गुजर हो, सारे अपने हैं भाई है? लेकिन ये राजनीति वालों ने, इन्होंने धर्मों के बीच में खाइयां पैदा कर दी हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इनके बहकावे में कतई ना आओ, बिल्कुल भी नहीं आओ। और हे मुसलमान भाइयों, ये उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, ध्यान से दिमाग में बैठाए रखो। आपके भैया जी नवाब सतपाल तंवर कह रहे हैं, भाई जान है आपके, आपके भाई जान, बेशक दलित में पैदा हुआ हूं, लेकिन मुसलमानों को भी मैं बहुत प्यार करता हूं जितना कि हिंदुओं को करता हूं। याद रखना चुनाव के समय भूल मत जाना, भूलना नहीं चुनाव के समय। यह मेरा आपको विशेष संदेश है, और हाथ जोड़कर निवेदन है, शांति व्यवस्था बनाए रखें। प्रशासन सरकार के साथ मिलकर विवाद पैदा करना चाहते हैं, लेकिन आप कोई भी व्यक्ति विवाद मत पैदा होने देना। धर्म बेशक हिंदू हो या मुसलमान हो, बेशक कांवड़ यात्रा हो या मुहर्रम का ताजिया निकाला जा रहा हो, बेशक ईद पर गले मिल रहे हो, याद रखना मेरी बात को, इस प्रेम और भाईचारे को योगी आदित्यनाथ जी की नजर नहीं लगनी चाहिए, और कदापि लगनी नहीं चाहिए। बच के रहना भाई, बच के रहना, मैं कहता हूं, ये नजर लगा देंगे, बीजेपी वाले दंगाई होते हैं भाई। क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।